नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों ये जो वैकेंसी मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी मैं डेली अब आपके सामने पर वीडियो में 4 से 5 वैकेंसी की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी पता है कि एक वैकेंसी से सबकी जॉब नहीं लगती है, एक अपडेट से सबकी जॉब नहीं लगती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलर वीडियो में हर एक वीडियो में 4 से 5 अपडेट दे रहा हूँ कि एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बंदों के पास ऑप्शन होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई आएंगे, और ये मेरा कंटिन्यू चलता ही रहेगा। इसीलिए जो चैनल पे नए हैं वो लाइक ज़रूर कर दे वीडियो, और जो है आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी और अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे यूनिक आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड जो चैनल बनाया है वो सिर्फ इंजीनियर्स एज वेल एज आईटी और जो एनी ग्रेजुएट वाले भी यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी आ रही है ये आ रही है टाटा ऑटोकॉप की तरफ से, बट इसके अलावा 3 अपडेट और हैं जो कि आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आ पाएगी। ये इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रही है, एज वेल एज जो 2-3 कंपनियों में मैं बताऊंगा सभी में रिक्रूटमेंट ड्राइव ओपन है, तो वहां जाके जरूर एक बार अप्लाई कर दें। दोस्तों आप सबसे पहले वैकेंसी देखेंगे ये टाटा ऑटोकॉप की तरफ से आ रही है, और ये बिल्कुल जो वॉक इन इंटरव्यू है और रिक्रूटमेंट ड्राइव है। जी हाँ, ये हैदराबाद में होने वाली है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। किस किस के लिए और कब होने वाला है दोस्तों, ये वाला जो होने वाला है, ये वाली जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, ये इसमें कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ 1 से 8 साल तक का। और इवन 1 साल का एक्सपीरियंस आपको भी पता है सिर्फ स्किल्स डेवलप करने के लिए। आपने 1 साल में अगर आपने से अप्रेंटिसशिप की हो, इंटर्नशिप की हो, और इवन आप 2022 भी पास आउट है, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ आपको वहां बैठने के लिए, लायबल होने के लिए, आपका एक एटीट्यूड और वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ कल्चर। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर कोई आसपास का एरिया का है, सबसे पहले मेल भेज के यहां इनका रिप्लाई का जरूर वेट करें। मेल कैसे भेजनी है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेल किसको भेजनी है और कैसे अप्लाई करना है, किसको अप्लाई करना है उसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों ये टाटा ऑटोकॉप जो है टाटा स्टील का ही एक पार्ट है, और ये मोबिलिटी सॉल्यूशन क्रिएट करता है, और दोस्तों ऑटोमेटेड डिजाइन एंड डेवलपमेंट एम्बेडेड सिस्टम CAE। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होना है, कहां होने वाला है जी, हैदराबाद में होने वाला है, हैदराबाद में ये होने वाला है, और डायरेक्ट वॉक इन ड्राइव है। किस किस के लिए होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। इसका डायरेक्ट लिंक इन्होंने प्रोवाइड किया है, और ये कब होने वाला है, ये होने वाला है 24 सितंबर को सुबह 9 से 2 बजे तक चलेगा। दोस्तों मैं आपसे बताऊं कि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ लिंक प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन हम इस लिंक पे तो जाएंगे ही, इस लिंक को तो प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन यहाँ मेल जरूर कर दीजिएगा इनको। देखिए इन्होंने ऑलरेडी मेल आईडी दी है, इन्होंने मेल आईडी दी है cc.placement@tatautocorp.com। दोस्तों इसी मेल आईडी पे आपको अप्लाई करके यहाँ से कंफर्म कर लेना है कि आपको कैसे सिलेक्शन होना है। दोस्तों इनका अप्लाई करने का तरीका भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो यहाँ जो है अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। दोस्तों ये कू ऐप की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है बहुत ही अच्छी, जो कि है रिलेवल बाय अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों ये जो कू ऐप है आपने इसका नाम सुना ही होगा, टोटल 1000 जो इनका टीम साइज है 500+ पीपल इनमें वर्क करते हैं। किस डेजिग्नेशन के लिए दोस्तों, बैकएंड पाइथन के लिए है, और इसके अंदर जो सैलरी रहने वाली है वो 10 लाख रुपये से लेके 25 लाख रुपये तक, 25 लाख पर एनम तक इसमें रहने वाली है। पोस्टिंग आपकी कहाँ रहेगी, पोस्टिंग रहेगी आपकी बेंगलुरु में। दोस्तों इसको कैसे क्लियर करना होगा मैं तो सबसे पहले आपको बता दूं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ टेस्ट के लिए एक रजिस्टर होना होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है रिलेवल बाय अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ आप डायरेक्टली टेस्ट क्लियर करके यहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं, एज वेल एज जिन पे टेस्ट नहीं भी क्लियर हो रहा है तो इनकी कोर्सेज की हेल्प से आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद कू में भी अप्लाई कर सकते हैं, और कू जैसी बहुत सारी कंपनीज में यहाँ ऑलरेडी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी जाके रिलेवल बाय अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप अप्लाई कर दें। कब कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारा किस्मत खोल दे और कब कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ बना दे, यहाँ कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपको एक टेस्ट क्लियर करना है। और मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ इजीली 500 स्कोर लाके, 700 स्कोर लाके डायरेक्टली सब यहाँ से जॉब पा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका टेस्ट भी क्लियर नहीं होता तो आप इनकी कोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं, जिससे टेस्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और लिंक जो है दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जल्दी से जल्दी जाके साइन अप कर लीजिए। दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस मैं हर जगह हर बंदे के लिए वैकेंसी लाता हूँ, इसीलिए अगर कोई भी देख रहा है तो हर जगह अप्लाई कर दिया कीजिए।
हमारी सैलरी अप डाउन हो सकती है बट हमारी जॉब जरूर लगेगी, ये कन्फर्म है। दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको ने देखा होगा कि मैं कल से बहुत सारी कंपनीज में जॉब ला रहा हूँ। देखिए यहाँ भी वॉक इन इंटरव्यू और इन सब को अगर आपको वैकेंसी को देखना है तो मेरी लास्ट की 2 से 3 वीडियो जरूर देखिएगा पोस्ट में जाके, वहाँ जरूर आपको सारी वैकेंसी के अंदर हायरिंग मिल जाएगी। ऑलरेडी अपर्णा के अंदर भी हायरिंग चल रही है, इसके साथ साथ सूर्य ग्रुप के अंदर भी हायरिंग चल रही है, टोरेंट पावर के अंदर भी मैंने आज सुबह ही वीडियो डाली थी, फ्लोर के अंदर अनलिमिटेड हायरिंग्स है। तो जिन्होंने इसमें अप्लाई नहीं किया है वो याद से अप्लाई कर दीजिएगा। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके साथ साथ L&T के लिए भी मैंने आज इवनिंग में ही मेल पूरी की पूरी वीडियो बनाई है जो कि आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी वैकेंसी जहां ये कॉर्पोरेट वाले भी ISC प्रोजेक्ट्स पूना के लिए 3 पोजीशन जिसमें सिविल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और बीटेक या फिर एनी ग्रेजुएट वाले भी इन्होंने एलिजिबल कर रखे हैं। तो लास्ट की 2 वीडियो जरूर देखिएगा। अभी की वीडियो में मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये 2 वैकेंसी के लिए ये आ रहा है। आप देखेंगे ये जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है हेट्रो बायोकेमिकल में, और इसकी मेल ID मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कब होने वाला है 23 सितंबर को। उससे पहले आपको मेल करना है, मेल किसको करना है, इन्होंने सीवी लिखा है hemsundar@hemtech.com और bhagyashree@hemtech.com, इन पे आपको मेल कर देना है। ये मैं अपनी वेबसाइट पे दोनों को पोस्ट कर दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल है। दोस्तों आपने BE/BTECH कर रखी हो मैकेनिकल बायोटेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल और सिविल से तो यहां एलिजिबल है। इसके साथ साथ जो दूसरी वैकेंसी निकल के आ रही है इसमें पॉलीमर साइंटिस्ट के लिए BTECH/MTECH पॉलीमर से होना चाहिए, इंजीनियर सीनियर इंजीनियर BE/DIPLOMA मैकेनिकल से होना चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर BE मैकेनिकल से होना चाहिए, परचेज ऑफिसर डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट CA, और ये जो रेडियो टेक्नोलॉजी डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल सभी बाबा एटॉमिक से और इंजीनियर ऑपरेटर। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपने स्क्रीन पे भी देखा होगा कहां कहां कौन कौन एलिजिबल है, आप उनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे टाटा की वेबसाइट पे भी एनी ग्रेजुएट वाले भी एलिजिबल है। आपको क्या कर लेना है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो भी बता दिया है, डिप्लोमा BTECH और एनी ग्रेजुएट वाले सभी एलिजिबल है। अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं इसीलिए दोबारा ना कहना पड़े, सारी वीडियो को जाके देखिएगा, 2 से 3 वीडियो आप देखेंगे उनके अंदर सारे सबके अंदर अप्लाई लिंक भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।